कड़कड़ाती ठंड में रजाई के बिना रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। भले ही आज परंपरागत रजाइयों की जगह जयपुरी रजाइयों व विदेशी कंबलों ने ले ली है, जिसके चलते परंपरागत रजाइयों की मांग में थोड़ी कमी आई है। हालांकि आज भी इसकी पूछ परख बरकरार है। यही वजह है कि ठंड बढ़ते ही रुई के रजाई गद्दों की दुकानें भी गुलजार हैं। दिनों दिन बढ़ती सर्दी में रजाइयों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण से रजाई भरने वालों की मांग बढ़ रही है। मौसम में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है। गुरुवार को सुबह से मौसम में अचानक बदलाव आ गया और लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा, जिसके चलते बाजारों में रजाई और कंबल की दुकानों पर ग्राहक पहुंचने लगे हैं। रजाई के नए सिरे से भराई का भी काम चल पड़ा है। हालांकि इन दिनों बाजारों में तरह तरह के रजाई और गद्दे मौजूद हैं, जिसके चलते रुई से बने रजाई गद्दों की अब उतनी पूछ परख नहीं रह गई है और इसी के चलते इस काम को करने वाले कई कारीगर दूसरे कामों में लग चुके हैं। हालांकि ठंड बढ़ते ही बाजार में रजाई और गद्दे तैयार करने वाली दुकानों में कारीगर दिन रात काम में जुट चुके हैं। लोगों ने ठंडक की दस्तक को देखते हुए पुरानी रजाई की दोबारा भराई तगाई के अलावा गर्म चादरें और रजाई खरीदना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार रुई के दाम भी बढ़ गए हैं। सर्दी बढ़ने से लोगों ने अपने तरीके से सर्दी के बंदोबस्त भी कर रहे हैं। बाजार में गर्म बिस्तरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अपनी पुरानी रजाइयों को भरवाने के लिए बाजारों की दौड़ लगा रहे हैं। इन दिनों रुई धुनने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है। ऐसे में रुई धुनने वाले कारीगरों को भी अच्छा काम मिल रहा है, लेकिन अब उतना मुनाफा नहीं है जितना पहले था। आपका रुई का कंबल का बिजनेस है, रजाई का, पहले से और अब में रजाई वगैरह में सेल में कितना फर्क पड़ा है? निश्चित रूप से चूंकि धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठंड के दिनों की संख्या घटती चली जा रही है और ये रुई का व्यवसाय ठंड पे ही निर्भर करता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी फर्क पड़ा है। इसके अलावा बाज़ार में रजाइयों का विकल्प बहुत सारी चीज़ों में आ गया है, जैसे कंबल आ गए हैं, कंफर्टर्स आ गए हैं, पतली रजाइयां आ गई हैं जो कि मशीन की सिली हुई होती हैं, तो हम लोगों के व्यवसाय में काफ़ी फ़र्क आया है। कारीगरों के सामने भी इसी कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। पहले वो लोग दिन भर में 10 रजाइयां बनाते थे, वर्तमान समय में चूँकि काम नहीं है इस कारण से वो 5 से 6 पे टिके हुए हैं। उनके व्यवसाय में कितना संकट आया है, क्या वो इसी व्यवसाय में है कि उन्होंने व्यवसाय बदले हैं? ना, चूँकि परिवार चलाना है, परिवार चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत होती है, इसमें काम कम होने के कारण अब उनका आय का साधन कम हुआ है, तो ये लोग अपने व्यवसाय को परिवर्तित करके कुछ लोग फेरी लगाने लगे हैं,
बहुत सारे लोग फुटपाथ के और दूसरे जीन्स पैंट वगैरह बेचने ने मतलब अपना व्यवसाय को उनने बदल लिया है। पहले वो सिर्फ पगाई पे रहता था और उनकी जीवन या उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चलता था। नाम है आपका और कब से ये व्यवसाय? ये मोहम्मद रमजान, आज करीब 20 साल से हम काम कर रहे हैं। पहले में और अब में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अब क्या है कि ये कम आता है और रेडीमेड ज़्यादा बिकता है, कम्बल हो गया और ये हर चीज़ ये ज़्यादा बिकता है, ये बहुत अब कम चलने लगा है। बहुत से तो आदमी ये छोड़ के चले गए, काम भी सही नहीं मिलता पेट भर करने के लिए। अब दो तीन मने बहुत ज़्यादा तीन नहीं दो काम करते हैं तो इतने में कैसे चलेगा? हम लोगों का काम बेकार हो गया यार। पहले तो अब में बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है पहले में और अब में। पहले कितना काम कर लेते थे? पहले 400-500 रुपए काम कर लेते थे, अब 200-250 रुपए काम करते हैं। पहले कितने लेबर लगे रहते आप और? अरे पहले कम से कम 10-12 आदमी रहते रहे, अब तो गिने चुने 4-5 आदमी हैं बस हो गया।